जो भंग के प्रति नहीं अभंग के प्रति। जब आप कहेंगे तो प्रमाण दीजिए अभंग के संदर्भ में क्या विषय है ये और कौन है अभंग और प्रमाण क्या है। महाराज के भाई में ये प्रमाण है जा उत्तम भागे से पावे सात कृष्ण सात काल के साथ ये देवे धर्म अभंग है देवे धर्म अभंग हम आपको नहीं भाई अभंग कहते हैं परमात्मा को। इसलिए हमारे महाराष्ट्र की धरती पर तुकाराम जी जैसे महान संतों ने जिन पद की रचना की हुई अभंग क्योंकि उन्होंने भंग संसार के लिए कुछ नहीं कहा और अभंग सर्वेश्वर के लिए सब कुछ कहा। एक महापुरुष के शर्त थे सब कुछ कहा अभंग। महाराष्ट्र में तुकाराम जी ने कहा क्या महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज को भी फरमाया मंगलाचरण में प्रार्थना के महापंथ में फरमाया नमो नमो परब्रह्म नमो अंगे वरदाय नमो अखंड असंग नैकम कयान आय नमो हरे अक्षे नैकम कर्म आय नमो अमाम तथा नैकम कारण आय शिव सत्कार कृष्ण स्वरूप वृंदावन देवता सारे हमारे धर्म के राम के पर्याय वाक्य शब्द अंतर्वाणी में है और स्वामी रामचंद्र जी महाराज का व्यापक बड़ा गजब का सूझा हुआ फिर पाठक वाणी का पाठ करके विचार करें कि यहाँ अभंग क्यों हवि क्यों जगदीश क्यों इन सब जगह केवल केवल काम का। मैं आपसे कहूं कि बहुत जगह श्री महाराज ने धर्म की तरफ संकेत किया ना राम कहा ब्रह्म कहा न हरि कहा न शिव कहा सर्वनाम का प्रयोग संध्या भावे सर्वनाम वक्तायाम अपेक्षिते वक्ता के ऊपर अपेक्षिते ऐसा व्याकरण विभाग कहते हैं। संधि विच्छेद करके नाम न बोलना ये वक्ता के ऊपर अपेक्षित है। जगदीश जगत आप लक्ष्मी समाधि क्षेत्र समाधि से जागृत अवस्था हर शुदा की आंख प्रबल भूखा इतनी प्रबल हो गई सहमी वो कुहरा था क्या इस वर्ष ऐतिहासिक चक्र शांति प्रदायक साधना युक्त लक्षण चक्र और आपने अपने आराध्य राम का स्मरण किन शब्दों में किया जल्दी से जगत को आप हो आत्मिका योगा रामचरण क्या प्रयोग किया है हमने भजिए सदा प्रदान प्यारे रोग का जगदीश जगत को आप परमात्मा जगत को पात्र अर्जुन ने भगवान को कष्टम बदले जगत को
शब्द ही निराकार का प्रतीक, क्योंकि विवेकहीन प्राणी अपने संपूर्ण शब्द पिछाना भावी घटे ही भाव में जाने बाहर नहीं, घट में जाना तो अंतर्यामी, अंतर्यामी यानी निराकार। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कोई शब्द का प्रयोग, क्योंकि वह जिनको की रक्षा करने वाला है, दुख करने वाला इस जिंदगी और पंच तत्व को संगठित करने का संबंध है श्री भगवान। हम उसके शरीर किसका है, कपड़े किसके, गाड़ी किसकी, बंगला किसका, और यहाँ पर तो नाम भाई का नाम था नाम भगवान का, ये हमारी मंडिया मंडिया की भाषा है। क्या नाम है साहब हमारा, क्या नाम है शरीर कृष्ण जी का, तो नाम भगवान ये
गणित पर पढ़ाए, ये गणित पर पढ़ा दी मनी मनी से कुछ दिए बदली रखा है कि कहा बताओ रिश्ता कितना भी करोड़ होगी तो घर में लड़ाई से आप कितना कमाए रिमोट कंट्रोल ही करते कंट्रोल कोई हो अब बदले आपके रिमोट कंट्रोल कितना है कॉम्प्लेक्स तो से चार चलता है बिल्कुल सही बात है। गणित सीता का रुष्ट होना देखते का गणित गड़बड़ाना साफ किताब और है जब हिसाब किताब सही नहीं होता है भगवान भी रुष्ट हो जाता है और एनर्जी बढ़ा क्योंकि गिन मिल गया कि रेसी हर बात देवे ना एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम रामायण सरकार ने शेषा होता अनुज मखन से कहा कपा वनवास और भीषण संघर्ष वनवास वनवास के बाद लंका का नाश और रावण का सर्वनाश लक्ष्मण को अभी बच्चा भी होने के बाद लक्ष्मण को पास और लक्ष्मण जो बात करता हूँ मेला तो कैसे मान दिया मेला मान मिला हुआ था कि जो इतने साल तक आहार नहीं करेगा निद्रा नहीं लेगा वैकारिक जीवन नहीं होगा वही मेला को मान सकता है किया
लिया तो क्या कहा, सबरी है, सबरी ने उछा दिया एक बेर के कहा जो घर चलते थे रात के हाथ पर राम का देख लिया राम जी ने लक्ष्मण नाटक कर रहा है, भक्ति की कुटिया में नाटक कर रहा है, उनका ने झट किया उनका लक्ष्मण बहुत मीठा है, सबरी धारा मीठा लागे सबरी धारा मीठा लागे प्रेमाओं शिष्ट प्रसाद की विशेषता बताई है।